एक गांव चुड़ैल को काफी पसंद आ जाता है। क्या प्यारा गांव है, क्यों ना इसी गांव को अपना घर बना लूं? यहाँ तो खाने के लिए भी काफी आदमी मिल जाएंगे। फिर मुझे अपने बच्चे को भी तो ढूंढना है जो कि खो गया था, शायद वो इस गांव में मिल जाए। इस तरह वो चुड़ैल उस गांव में रुक जाती है। उसी गांव में विवेक नाम का एक आदमी अपनी बीवी रूपा और दो बच्चों चिंकू और पिंकू के साथ रहता था। एक दिन चिंकू स्कूल से आता है और अपनी माँ रूपा से कहता है, माँ माँ मुझे भी कंप्यूटर दिला दो, मेरी क्लास में सबके पास कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर के विषय में मुझसे ज्यादा अंक लाते हैं। ठीक है बेटा, रात में तेरे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। तभी पिंकू बोलता है, माँ इसे यूट्यूब देखना है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। वैसे भी इसके जितने भी दोस्तों को जानता हूँ सब कंगले हैं। इस बात पर चिंकू और पिंकू लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ विवेक आ जाता है। फिर रूपा विवेक को सारी बात बताती है। देखो बेटा चिंकू, अभी हमारे हालात इतने ठीक नहीं कि मैं तुम्हें कंप्यूटर ला के दे सकूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर विवेक अपने कमरे में चला जाता है और रात में चुड़ैल भी खाने की तलाश में विवेक के घर आ जाती है। आज मेरा पहला शिकार है, इस गांव में मजा आ जाएगा। खूब चबा चबा कर खाऊंगी, वाह सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। क्या रूपा, मेरे बच्चे ने इतने प्यार से कोई चीज मांगी और मैं उसे पूरा नहीं कर सका। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा है। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मैं सुबह चिंकू को समझा दूंगी कि तुम कुछ समय बाद ला दोगे कंप्यूटर, वो बहुत समझदार है और मेरी बात मान जाता है। उन दोनों की बातें बाहर खड़ी चुड़ैल भी सुन रही होती है। तो ये बात है, क्यों ना मैं इसे एक कंप्यूटर दे दूं, फिर तो मजा ही आ जाएगा। इस पूरे गांव में एक भी कंप्यूटर नहीं है, सब कंप्यूटर देखने इसके घर आएंगे तो मैं कई लोगों को मार सकूंगी। अगले दिन सुबह विवेक अपनी बाइक पर जा रहा होता है कि तभी चुड़ैल अपने जादू से रास्ते में एक लैपटॉप गिरा देती है। विवेक की नजर उस पर पड़ती है। विवेक लैपटॉप के पास जाता है और उसे उठा लेता है। अरे वाह, ये तो नया लैपटॉप लगता है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो कंप्यूटर के बारे में सोच रहा था, उन्होंने मुझे लैपटॉप ही दे दिया। वाह सही कहा है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। वाह मजा आ गया। फिर विवेक वो लैपटॉप उठा लाता है और अपने घर चला जाता है। अरे चिंकू पिंकू कहाँ हो तुम, यहाँ आओ। अरे रूपा तुम भी आओ, देखो पापा क्या लाए। विवेक चिंकू को लैपटॉप दे देता है। अरे वाह पापा क्या बात है, आप तो दुनिया के सबसे प्यारे पापा हो। मैंने कंप्यूटर मांगा और आप लैपटॉप ले आए, पापा मजा आ गया। अरे वाह नया लैपटॉप, मजा आ गया, हम तो इस पर नई नई गेम खेलेंगे। वाह 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 ठेंगा, तेरे को तो मैं कभी नहीं दूंगा, वो वैसे भी मेरे लिए आया है। चुप करो, कुछ भी नया आए घर में बस लड़ने लग जाते हो। चलो अपने कमरे में लेकर जाओ इसको और दोनों मिलकर पढ़ाई करना इससे। चिंकू और पिंकू अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में रूपा और विवेक अपने कमरे में बातें करते हैं। अरे आपने बताया नहीं ये लैपटॉप आपको कैसे मिला, आप तो कह रहे थे कि पैसे नहीं है, फिर कैसे लेकर आए इतना महंगा लैपटॉप, सच सच बोलो। अब तुम ही ना सवाल बहुत करती हो। अरे ये मेरे एक दोस्त ने दिया है, उसकी दुकान है और वैसे भी किश्तों में ले लेगा, बस वहीं से लाया हूँ। उधर रात में चिंकू को नींद नहीं आ रही होती। पापा भी क्या चीज है, क्या बढ़िया लैपटॉप लाए हैं। पिंकू की वजह से पहले मैं इसको ढंग से नहीं देख पाया, अब चेक कर लेता हूँ इसको ढंग से। लेकिन जैसे ही चिंकू लैपटॉप को चालू करता है उसकी स्क्रीन पर उसी चुड़ैल का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है। आओ चिंकू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
इससे पहले चिंकू कुछ समझ पाता, चुड़ैल उसे लैपटॉप के अंदर खींच लेती है और लैपटॉप भी बंद हो जाता है। अगले दिन पिंकू सोकर उठता है, लेकिन उसे चिंकू कहीं दिखाई नहीं देता। वो बाहर आता है और घर में देखता है, लेकिन पूरे घर में उसे चिंकू कहीं नहीं दिखाई देता। तभी रूपा आ जाती है। अरे पिंकू, क्या ढूंढ रहे हो इधर उधर, क्या हुआ? माँ, मैं चिंकू को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन चिंकू उन दोनों को कहीं नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है, तभी विवेक भी आ जाता है और रूपा उसे भी पूरी बात बताती है। तूने ही कुछ बोला होगा, नहीं तो वो बेचारा क्यों ऐसे जाता, सब तेरी वजह से हुआ है। तू तो वैसे भी उससे बहुत लड़ता है, अगर चिंकू ना मिला तो तेरी खैर नहीं। ऐसा कहकर विवेक गुस्से में पिंकू को जोर से थप्पड़ मार देता है और उसे उसके कमरे में जाने के लिए बोलता है। पिंकू रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। तभी पिंकू की नज़र उसी लैपटॉप पर पड़ती है, वो भी चिंकू की तरह उसको खोल देता है। खोलते ही चुड़ैल फिर से उसको भी लैपटॉप के अंदर खींच लेती है। मजा आ गया, एक एक कर मैं इसके सब घर वालों को अंदर खींच लेती हूँ, फिर अपने चुड़ैल लोक में ले जाकर मार दूंगी। इन दोनों बच्चों की बलि दे दूंगी। इधर लैपटॉप के अंदर दोनों चिंकू और पिंकू कैद हो जाते हैं। उधर अगले दिन सुबह पिंकू को कमरे में ना पाकर, तुम ज्यादा चाचा चौधरी बन रहे थे ना, अब मेरे दोनों बच्चे खो गए हैं, अब बताओ मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? बोलो, तुम्हारी डांट की वजह से ही मेरे दोनों बच्चे खो गए हैं, अब जाओ और उन्हें ढूंढ कर ले आओ, जाओ। विवेक रूपा को गुस्से में देखकर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप पिंकू को ढूंढने बाहर चला जाता है और रात को घर वापस आता है। रूपा चिंकू पिंकू के कमरे में बैठी होती है। रूपा, रूपा, मेरे दोनों बच्चे खो गए, मैं क्या करूं, कहां ढूंढूं इनको? जब से ये मनहूस लैपटॉप घर में आया है, तभी से मेरे बच्चे गायब हैं। मैं इस लैपटॉप को ही बाहर फेंक देता हूँ, हाँ बाहर फेंक देता हूँ। लेकिन जैसे ही विवेक लैपटॉप की तरफ बढ़ता है, उस लैपटॉप में से धुआं उठने लगता है और चुड़ैल बाहर आ जाती है। तेरे लालच ने ही तेरे बच्चों को मेरी कैद में करवा रखा है, ना तू लालच करता और ना तेरे बच्चे मेरे जाल में फंसते। क्या मतलब, और कहाँ है मेरे बच्चे, और तुम किस लालच की बात कर रहे हो, बताओ मुझे। फिर चुड़ैल रूपा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रूपा को बहुत गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल जी, आप मुझे भी वहीं ले चलो जहाँ मेरे दोनों बच्चे कैद हैं, मुझे नहीं रहना इस नास मिटे के साथ जो इतना झूठ बोलता है। तुम क्या बोल रही हो रूपा, मैंने ये झूठ कोई अपने लिए थोड़ी बोला था, माफ कर दो मुझे। उनकी बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों ये ड्रामा बंद करो और डरो मत, मैं तुम दोनों को भी वहीं लेकर जा रही हूँ जहाँ मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को कैद कर रखा है। फिर चुड़ैल विवेक और रूपा को भी वहीं लेकर चली जाती है जहाँ उसने चिंकू और पिंकू को कैद किया होता है। अरे वाह, आज तो अमावस की रात है, आज के दिन ही तो मुझे तुम्हारे दोनों बेटों की बलि देनी है ताकि मैं अपने खोए हुए बच्चे का पता लगा सकूं। चुड़ैल जी, अगर आपको बलि देनी है तो मेरे छोटे बेटे की बलि दे दो और हमें भी मार डालो, लेकिन मेरे बड़े बेटे को छोड़ दो, वो किसी और की अमानत है। किसी और की अमानत है, मतलब क्या वो तेरा बेटा नहीं है? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। एक रात हम कहीं से जा रहे थे तो वो हमें रात में लोहा रोड में रोता हुआ मिला था, उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था, बस वो तब से मेरे पास है। वो एक्सीडेंट तो मेरा हुआ था, मैं और मेरे पति अपने बच्चे के साथ जा रहे थे तभी एक ट्रक ने हमें कुचल दिया था, बस तब से मैं चुड़ैल बन गई और अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ, आज मेरा बेटा मिल गया। फिर चुड़ैल चिंकू को अपने पास बुलाती है। आजा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन चिंकू रूपा से जाकर लिपट जाता है, ये देखकर चुड़ैल को रोना आ जाता है। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ यही है, वैसे भी तुम तो लोगों का खून पीती हो, तुम तो मारती हो, तुम गंदी हो, नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ यही है। आज से चिंकू आपका ही बच्चा है रूपा बहन, इसका ख्याल रखना,
मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो चारों अपने घर चले जाते हैं।